उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, लेकिन उसके पहले भाजपा और सपा में ट्वीट के माध्यम से जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि बसों का 24% किराया बढ़ाकर भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट का खर्चा वसूल रही है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर भाजपा सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पलटवार करते हुए कहा कि इन्वेस्टर समिट के आयोजन से उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी और प्रदेश ने युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए हैं और प्रदेश विकास करेगा। जब सपा की सरकार थी तो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे तो सफाई महोत्सव कराती थी, जबकि भाजपा इन्वेस्टर समिट करा रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत ईमानदार नहीं है, इसीलिए सिर्फ प्रचार का प्रूफ जो है इन्वेस्टर समिट के नाम पर फैलाया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी इन्वेस्टर समिट का स्वागत करती है। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमारी तो सरकार से मांग है कि पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की तुलना में जो समाजवादी शासन काल रहा 5 वर्ष का, उसमें जो विकास हुआ, सरकार को तो मेहमानों के सामने वो विकास का मॉडल रखना चाहिए। अनावश्यक बयानबाजी में नंदी जी ना करें, ये प्रदेश के विकास की बात है। आज माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश की जनता की बहुत याद आ रही है। उत्तर प्रदेश में जब वो सरकार में थे तो जनता का उन्होंने कुछ हिसाब नहीं किया। 4 बार सरकारों में रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर और अखिलेश जी तक, लेकिन जनता का गाढ़ी कमाई सफाई में महोत्सव करके लुटाते रहे। सैफई में 100 करोड़ से ऊपर का सरकारी बजट जो जनता के पैसों से था, वहां पर नृत्य होता रहा, नृत्यांगनाएं नृत्य करती रही। इन्वेस्टर्स मीट सिर्फ लोगों के साथ भद्दा मजाक, जनता के पैसे को पानी की तरीके से बहाया जा रहा है। इससे पहले भी इन्वेस्टर्स मीट हुई। हम मांग करते हैं, प्रदेश के नौजवान आम आदमी मांग करता है कि सरकार बताए इससे पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने लोगों को रोजगार मिला। उस पर तो सरकार बोलती नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे को लुटाया जा रहा है।